हेलो दोस्तों, क्या होगा जब किसी की बॉडी पूरे सीमेंट में कवर हो जाएगा? तो ये बंदा सीमेंट के अंदर कूद जाता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी मर्दांगी दिखाना चाहता था, जिसकी वजह से उसका बॉडी पूरा सीमेंट में कवर हो जाता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे ग्रेस एनाटॉमी। एपिसोड के स्टार्टिंग में हॉस्पिटल को कॉल आता है कि एक बहुत ही सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। जब वो हॉस्पिटल के डॉक्टर वो पेशेंट को देखते हैं तो वो हैरान होकर रह जाते हैं क्योंकि ये केस नॉर्मल नहीं था। उनके आगे जो लड़का था उसका बॉडी कई सारे टन सीमेंट में फंसा हुआ था। लड़का डर रहा होता है, फिर भी वो रोते हुए डॉक्टर से कहता है कि प्लीज मेरा जान बचा लीजिए। वो वार्ड के बाहर उसके दोस्त बाहर बैठे होते हैं और जिसके वजह से वो बंदा सीमेंट में कूदा उसके बारे में सोचते हुए वो बंदा का मजाक उड़ा रहे होते हैं और वो लोग ये बात कर रहे होते हैं कि इनमें हमारा कोई कसूर नहीं है। और हमें पता चलता है कि उन लोगों ने ही उसे कूदने के लिए उकसाया था। डॉक्टर देख के कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त का जान काफी ज्यादा खतरे में है, लेकिन उन लोगों को तो कोई भी इसकी फिक्र नहीं थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर भी परेशान हो रहे होते हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो ट्रीटमेंट कहाँ से शुरू करें। एक आदमी वहाँ पर कहता है कि सीमेंट की कुछ हिस्सा विस्फोट से तोड़ा जा सकता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इससे तो उसका मौत तुरंत हो जाएगी। और ये बात से वो लड़का डर जाता है और वो काफी रोने लगता है, लेकिन डॉक्टर वो लड़का को शांत कराती है और वो कहती है कि हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे ताकि तुम्हारी जान बच पाए। और तभी डॉक्टर को भी ये पता चलता है कि वो लड़के के शरीर से सीमेंट मॉइस्चर खींच रहा है और इसलिए वो डॉक्टर भी कहती है अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें रोना बंद करना पड़ेगा। डॉक्टर बात कर रहे होते हैं कि हमने हमारे पूरे जिंदगी में इतने सारे एक्सपीरियंस के बावजूद भी ऐसे केस कभी नहीं देखा था। सारे डॉक्टर मिलकर सोच रहे होते हैं कि आखिर कैसे इलाज किया जाए। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि सीमेंट उसे धीरे धीरे जकड़ रहा है, इसलिए कोई सर्जरी भी नहीं किया जा सकता और इसीलिए लड़का का हाथ पैर भी नहीं बचाया जा सकता है। और कुछ डॉक्टर कहते हैं कि वो अपने हाथ पैर के बिना भी जिंदा रह सकता है। और कुछ डॉक्टर कहते हैं कि हमें ये जल्दी करना होगा क्योंकि सीमेंट में जो अल्कलाइन मटेरियल है वो उसकी स्किन को अंदर से ही तबाह कर रही है। और कुछ डॉक्टर कहते हैं हम अगर उसके शरीर से पूरे सीमेंट निकाल भी ले तो फिर भी कुछ टॉक्सिन मटेरियल उसके हार्ट तक पहुंच जाएगी और इससे वो लड़का को भी काफी कुछ सीरियस हो सकता है। और ये सब जब वो लोग बहस कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर डायरेक्टर उन लोगों को रोकते हैं और वो कहते हैं कि 4 घंटे हो गए, अगर उसका ऑपरेशन जल्दी किया ना जाए तो वो मर जाएगा। और इसके बाद डॉक्टर भी राजी हो जाते हैं और वो धीरे धीरे वो लड़के के शरीर से हथौड़े की मदद से सीमेंट तोड़ने लगते हैं और वो लड़के के शरीर से धीरे धीरे सीमेंट निकाला जा रहा होता है और वो लड़का का शरीर ना जले इसलिए डॉक्टर भी विनेगर डाल रहे थे और डॉक्टर धीरे धीरे करके उसके बॉडी में से कुछ हिस्सों से सीमेंट बाहर कर देते हैं। तभी वो लड़का डॉक्टर से कहता है कि मैं 19 साल का हो गया हूँ और मैं उस लड़की से प्यार भी करता हूँ और वो लड़कों ने मुझे कहा था कि उस लड़की के आगे सीमेंट में लेटने के लिए। और वो लड़का फिर कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि मैं सिर्फ एक मजाक बन के रह गया हूँ, वो लड़की भी मुझे एक बेवकूफ सोच रही होगी। लेकिन ये सारी बात सुन के डॉक्टर उसे दिलासा देने लगती है जिससे वो लड़का थोड़ा बेहतर महसूस करने लगता है। जैसे जैसे सीमेंट बाहर निकाला जा रहा था वैसे वैसे लड़का का शरीर में पेन और भी ज्यादा बढ़ रहा था। तभी डॉक्टर महसूस करते हैं कि वो कुछ इंपोर्टेंट चीजें भूल रही हैं, लेकिन तभी एक पानी से भरा कप गिर जाता है नीचे जिससे उन्हें याद आता है कि वो लोग पिछले 4 घंटे से वो लड़के को पानी पिला रहे हैं और वो लड़के की ब्लैडर को खाली किया ना जाए तो जिससे ब्लैडर भी बस्ट हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर वो लड़की को लड़के की हालत के बारे में सब कुछ कहती है और वो लड़की भी डॉक्टर को कहती है कि मैं भी उस लड़के का दोस्त हूँ लेकिन मैं अपने दोस्तों के आगे ये नहीं मान सकती। और यह बात सुनकर डॉक्टर कहती है कि वो लड़के को तुम्हारी जरूरत है, अगर वो लड़के को कुछ हो गया तो तुम जिंदगी भर पछताओगी। लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं कोई भी मदद नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर वो लड़के से कहती है हम अगर तुम्हारे शरीर से आखिरी सीमेंट वाला टुकड़ा बाहर निकाल ले तो इससे हो सकता है कि कुछ टॉक्सिक मटेरियल तुम्हारे हार्ट तक पहुंच जाए जिस वजह से उस लड़के की हार्ट भी फेलियर हो सकता है। और ये बात सुनकर वो लड़का काफी घबरा जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे दिलासा देने के साथ हिम्मत रखने के लिए बोलती है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की डॉक्टर से कह रही होती है वो भी उस लड़के को पसंद करती है, लेकिन ये बात अगर उसके दोस्त को पता चलेगा तो वो मेरे मजाक उड़ाएंगे। लेकिन डॉक्टर वहाँ पर उसे समझाती है कि तुम्हें अपने दिल की बात माननी चाहिए ना कि तुम्हारी उस तरह की दोस्तों की। लड़के के शरीर से वो आखिरी टुकड़ा भी निकाला जाता है जिसकी वजह से वो लड़का को काफी पेन होता है और वो सेंसलेस भी हो जाता है और उसका ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया होता है जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। और वो लड़की वहाँ पर उससे मिलने आती है और वो लड़की वहाँ पर कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।